अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आपने एक दिन तो वहां लोकतांत्रिक तरीके से अपने आवाज को बुलंद नहीं किया। वहां के किसान किसान नहीं, वहां के किसान मनुष्य नहीं, वहां के किसानों को मंडी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आप बताइए, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, मतलब आप रिलायंस कंपनी को लेकर आए तो बल्ले बल्ले, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो थल्ले थल्ले। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सा, तो गेम बजाना पड़ेगा। तो आपके नहीं पड़ेगा कुछ पल्ले पल्ले, मत बोलो, आप बोलो। आपको देख के जो दुनिया का सबसे पल्ले बड़ा पल्ले 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 थल्ले थल्ले किया, तो ये 5 दिन तक पल्ले पल्ले करते रहेंगे। जो बोलूंगा उसी को इंक्वायरी करना है। हो गया, पहले पहले कितना बोलोगे, पहले ये बोलो, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला की उंगली ठीक है कि नहीं? 2 करोड़ हस्ताक्षर, बाप रे, 2 करोड़। गजब बेइज्जती है। कुछ मुश्किल हो जाए क्या? केरल में देख रहे हैं, कर्नाटक में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, किसान किस प्रकार से समर्थन में खड़ा हो गया है। अब अगर किसानों का एक बड़ा गुट ये चाहता है कि समर्थन में रहना चाहिए, तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को किसानों की बात नहीं सुननी चाहिए? संभव असंभव। वोट मिले नहीं है, 2 करोड़ हस्ताक्षर करके ही आए हैं। राजनाथ जी से पूछिए जरा, ये 2 करोड़ हस्ताक्षर किसने किए? एक किसान का नाम बताओ जरा, किसी का पैन कार्ड दिखाओ जरा, किसी का फोन नंबर लाओ जरा, कुछ नहीं है। देखना मर साले को, साफ कर कचरा पेटी को। ना फोन नंबर है, ना पैन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना किसी के हस्ताक्षर है। 2 करोड़ हस्ताक्षर करके लाए हैं। ये योगेंद्र यादव और राहुल गांधी, योगेंद्र यादव तो हर किसी के नहीं, योगेंद्र यादव तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीफ नहीं है जिसके वो एक्सपर्ट नहीं है। वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तो योगेंद्र यादव एक्सपर्ट हो जाए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं पहुंचा तो योगेंद्र यादव एक्सपर्ट हो जाए। भैया मैं तो बोल रहा हूँ कि इच्छाधारी नागिन, मैंने बचपन में सुना था कि इच्छाधारी नागिन होती है, अगर बेचारी इच्छाधारी नागिन योगेंद्र यादव को देख लेगी तो दम तोड़ देगी, सांस बंद हो जाएगा इच्छाधारी नागिन का। इतना रूप तो वो भी धारण नहीं कर सकती है जितना ये हमारे योगेंद्र यादव धारण कर रहे हैं। ये सब चीजें लग के मुझे लगता है कि यार ये फिर भी मैं कहता हूँ कि इसकी डिग्री सही है कि आप तो जली ना, तेरी भी जली ना जी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, पर कौन सी डिग्री है जरा बाद में चेक करेंगे। पर जो 2 करोड़ सिग्नेचर के पीछे बता दूं कि हमारे जो, अरे भैया आपकी सोनिया गांधी जी से अच्छी डिग्री है, आपकी सोनिया जी और आपके राहुल जी से और आपकी दीदी से भी ये बहुत अच्छी डिग्री है। अरे सुनिए भैया, डॉक्टर है। आपकी डिग्री का मतलब मैं आऊंगी आपसे जवाब लेने, रोहन गुप्ता जी बोलने में आपसे आऊंगी जवाब लेने। तो ये डिबेट में यही होगा फिर, प्लीज समझिए प्लीज। देखिए अंजना जी, ये डॉक्टर जानते हैं कि अगर ड्रामा करेंगे तो मैं उससे ज्यादा करूंगा। 2 करोड़ और चुपचाप बैठिए, कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार की बात कर रहे हैं। निदान मैं बिल्कुल एक्टिव था, मैं आपको बता रहा हूँ। आज किसी को प्रधानमंत्री अरे डॉक्टर साहब पत्ते गिनते रह जाओगे, क्यों आज आपकी सरकार ने रोका? हम तो ट्रक लेके आ रहे थे, चैलेंज कर रहा हूँ, कल वापस भेजिए, हम वापस 2 करोड़ सिग्नेचर करते हैं। आपके जैसे डॉक्टर को बिठा दो, कम से कम कुछ तो काम करे देश के, ऐसे भी बेरोजगार घूम रहे हो आप लोग। रंजना जी, डॉक्टर साहब जैसे जो प्रवक्ता है, अन्नदाता को मरो मरो और धनदाता को जियो जियो, ये इनका स्लोगन है, पूरा देश देख रहा है। ना आपको देश माफ करेगा, आने वाले दिनों में आपका अहंकार खुलने वाला है। राहुल गांधी की हालत इनके प्रवक्ता राहुल गांधी अंजना जी, खड़ा करने नहीं आया, शांति से बात कर लूं। अंजना जी इस प्रकार से, ए तू चुपचाप बैठ, कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, काम चल रहा है यार, अरे अंजना जी इनकी आवाज को कम करिए, ये इस प्रकार से चिल्ला चोट नहीं होता। मैं भी चोट चिल्ला सकता हूँ, धिक्कार है कि ऐसे प्रवक्ता टीवी पे डिबेट करने आते हैं। जाके इलाज करो अपना। आप बताइए, आप ईसीए का फुल फॉर्म बताइए, आप ईसीए का फुल फॉर्म बताइए, आप एपीएमसी का फुल फॉर्म बताइए, पहले एपीएमसी का फुल, पहले एपीएम का फुल फॉर्म बताइए, तू पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता, बता पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म, बता पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता, तू पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता। अभी मदद है भाई, अभी मदद है, अभी तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए, हर दिन हर रोज हम एक ऐसा ही वीडियो आपके लिए।